रीवागढ़ पुलिस ने वृद्ध के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, जिससे उसके दोनों हाथ में गंभीर चोट पहुंची है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत करने आई की गुहार लगाई है। घटना के संबंध में पीड़ित मनीलाल साकेत व चुन्नूलाल साकेत ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती आवेदन में बताया कि 4 माह पूर्व रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम में वो ग्राम पौढ़ी गए हुए थे, जहाँ सुबह विदाई के वक्त एक व्यक्ति चंद्रवेड़ी कहीं चला गया। जब वे अपने घर जाने के लिए रोड के किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे थे, तो शोर हुआ कि कोई व्यक्ति छत से गिर गया है। इसके बाद वो पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति नीचे गिरकर अचेत अवस्था में पड़ा है, जिसका नाम चंद्रवेड़ी साकेत है। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन द्वारा लागांव चौकी पर हत्या करने की शिकायत दर्ज करवाई गई। बताइए कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हमारा गाँव बेला है, थाना सिमरिया। हमको बुलाया पुलिस वहाँ गढ़ में, आप पूछताछ किया, जितना हमको पूछ बताया गया, और फिर मारपीट शुरू कर दिया कि बोलो तुम झूठ बोलते हो। हम मैंने जितना देखा तितना बताया कि हम गया अपने सरपुत के ओली भरने, वहाँ ओली भरने में शाम के ओली भरी, सुबेरा हुआ, नाश्ता पत्ती हुआ, नाश्ता पत्ती के बाद रंग मसाला का जब तैयारी हुआ, तो वो आदमी चंद्रवेणी नाम का बोला कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, हम रंग नहीं डरवाएंगे, वो चला गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।